स्टूडेंट आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा था वेजिटेबल माइट, ठीक है भाई। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट आपका काउंट हो जाएगा वेजिटेबल माइट। इसका जियोलॉजिकल नेम आपका हम आपका आपका काउंट करेंगे आपका टेट्रा नाइटकस, ठीक है भाई। टेट्रा नाइटकस एंड यूर आपका टेलारिस, ठीक है भाई। सिंपल सा आपका TELARIUS, ठीक है। टेट्रानिकस आपका क्या है, टेट्रानिकस और आपका टेलिरस आपका काउंट होता है। तो ये आपका जो है जियोलॉजिकल नेम काउंट होगा किसका, वेजिटेबल माइट का। सिस्टमेटिक पोजीशन हम आपको लेते हैं क्लास, क्लास आपके यहाँ पर आपका काउंट हो जाएगी क्या, आपका आर्कनिडा, ठीक है भाई। आर्कनिडा की काउंट होगी, इसमें आर्थ्रोपोडा और स्पाइडर का भी काउंट होते हैं, ठीक है। इसका आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या आएगी, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अंदर आपके काउंट होंगे, इसके उसके खिलाफ आर्थ्रोपोडा के अंदर आपके क्लास काउंट होती है। ऑर्डर आपका काउंट करेंगे आपका सेकंड जैसे आप समझते हैं, आपका लार्जेस्ट आपका फाइलम आपका काउंट हो जाता है आर्थ्रोपोडा। एकेरिना है आपका, ठीक है। ऑर्डर आपका एकेरिना, इसके अंदर आपकी माइट्स और टिक्स भी, ठीक है। माइट्स और आपके टिक्स काउंट होंगे। नाउ फैमिली, फैमिली आपका काउंट हो जाएगा आपका टेट्रानिकाई, ठीक है भाई। टेट्रा उसी से आपका अकाउंट हो जाएगा आपका फाइव डी एच आई डी, ठीक है भाई। आपका काउंट हो जाएगी क्या, आपका टेट्रानिकाई आपका फैमिली। कोई आपके इसमें आपके स्कॉर्पियन जैसे फैमिली में आपका आपके काउंट करेंगे आपके स्पाइडर और माइट्स काउंट करते हैं, ठीक है भाई। तो ये नया आपका निकल कर आप काउंट करेंगे आपका जो है वेजिटेबल माइट आपका टेट्रानिकस टेलेरिस आपका काउंट होता है। क्लास आपका आर्कनिडा जो आर्थ्रोपोड के अंदर आपका काउंट होगी, ठीक है भाई। ऑर्डर आपका आर्कनिडा है, आपका जो आर्कनिडा है माइट्स और टिक्स काउंट होते हैं। फैमिली में आपका आपका ऑल ओवर इंडिया का काउंट होता है क्या आपका योर वेजिटेबल माइट आपका, ठीक है। दूसरे कंट्रीज का आपका अकाउंट आपका नहीं होता है। नाउ होस्ट प्लांट की बात करते हैं, उस प्लांट में आपका सबसे पहला काउंट होता है लेडी फिंगर जिंजर, ठीक है। लेडी फिंगर आपका काउंट होता है आपका ब्रेंजल काउंट होता है और आपके पिंस, ये तीन आपके काउंट होते हैं क्या, योर लेडी फिंगर, योर सॉरी आपका ब्रिंजल एंड योर पिंस, ठीक है। ये होस्ट प्लांट है, याद रखें। अब चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका काउंट आपका जनरल अपीयरेंस की बात करते हैं आपके, जनरल अपीयरेंस की जब हम आपका बात करेंगे, जनरल अपीयरेंस आपका सबसे पहले कोई बात हम काउंट करते हैं वो कलर को। तो जो है ये आपका जो है आपका काउंट होगा आपका जनरल अपीयरेंस की हम बात करते हैं आपका, तो ये जो है आपका आपका जो है ब्राउन कलर का आपका काउंट होता है, ठीक है। कैसा होगा आपका ब्राउन कलर का आपका काउंट होगा, ब्राउन आपका लाइट कलर, ठीक है। लाइट ब्राउन आपका आपका काउंट हो जाएगा। कलर के अंदर आपकी हम बात करते हैं, ठीक है भाई। जनरल अपीयरेंस की माइन्यूट होता है आपका छोटा आपका जनरली हम काउंट करते हैं, और आपका कोली पैकेज होता है, ठीक है। कैसा होगा आपका कोली पैकेज, ठीक है। तो वैसे तो ये हैबिट के अंदर आपका काउंट हो जाएगा। जनरली दो चीज आपकी जो है आपका वही आपका जो है ब्राउन कलर में होता है, आपका माइन्यूट आपका काउंट होता है किसमें आपके जनरल अपीयरेंस में। ये हमारे हैबिट में काउंट कर लेंगे। ये आपके होस्ट प्लांट की बात आपका लेडी फिंगर आपका गुंजल और आपके बीन्स काउंट होते हैं, ठीक है भाई। नाउ देखिए अब आते हैं आपके हैबिट्स पे।
हैबिट्स, जब हम आपका हैबिट्स को हम काउंट करेंगे, आपका जो मेल होता है आपका वो मोर एक्टिव होता है। ठीक है, ज्यादा एक्टिव होता है। दूसरा वही हम आपका एक कोई फैक्टर होता है, ठीक है, पैसा होता है आपका पोली पैकर्स, आपका ये काउंट होता है, यानी कि काफी चीजों पर आपका फीड कर सकता है, सिंगल होस्ट की आपका इसको रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आपकी दूसरी चीजें आपके मिलेंगी वो आपका काउंट कर लेता है। ठीक है भाई, एक हैबिट में और आपका काउंट करते हैं, आपका एक कॉलोनी में आपका काउंट होता है। ठीक है भाई, अंडरसाइड ऑफ, ठीक है भाई, लीव्स के अंडर साइड आपका रहेगा और किसके अंदर आपका काउंट होता है, कॉलोनीज में आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, ये चीज आपके काउंट हो जाते हैं, तो ये आपके किसमें हैबिट्स में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल की जब बात आती है तो हमें दो चीजें आपके काउंट होती है, कितने डेज में आपकी कंप्लीट होती है और कितने आपकी स्टेजेस आपकी होती है। ठीक है भाई, तो डेज की हम बात करते हैं तो 16 to 14 days में। ठीक है भाई, साइकिल कंप्लीट 16 to 20, ठीक है ना, 16 to 24 days में आपकी काउंट होती है। बात कर लेते हैं जनरेशन की आपकी 15, ठीक है, कितनी जनरेशन आपकी आती है, 50 generations पर पर ईयर आपकी जो है, कितनी आपकी 15 जनरेशन आपकी काउंट होगी, इसके अंदर आपका आपके जो है लाइफ साइकिल होगी और आपका वेजिटेबल माइट करना। ठीक है, स्टेजेस की हम बात करते हैं, 4 स्टेज। ठीक है, लाइफ साइकिल कंप्लीट 4 स्टेज। कितनी स्टेज में आपकी कंप्लीट होगी, आपकी 4 स्टेज इसके अंदर जो आपकी लाइफ साइकिल आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, ये आप काउंट करेंगे जनरली 4 स्टेज की हम आपकी बात कर लेते हैं। आपकी फर्स्ट आपका कोई एग्स है, सेकंड आपका लार्वा है, निम्फ और आपका अडल्ट। ठीक है भाई, देखिए क्या एग लार्वा और निम्फ अडल्ट। ठीक है भाई, दीज आर द 4 स्टेजेस, नाउ वी कलेक्ट दी वन बाय वन। ठीक है भाई, तो ये आपकी स्टेज आपकी काउंट हो जाती है। नाउ योर फर्स्ट वन इज योर एग्स, एक्स को जब हम आपका काउंट करेंगे, आपका एक्स जो आपके काउंट होते हैं आपके 40 to 50, ठीक है, फीमेल एक्स 40 to 50 ग्रुप, ठीक है, 40 से 50 के ग्रुप के अंदर आपका एक्स आपका लेआउट करेगी, कौन हो जाएगा आपका फीमेल, कहाँ आपका ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द लीव। ठीक है भाई, जो लीव होते हैं उनके वेंट्रल साइड को हम आपको बैक साइड कह सकते हैं, लोअर साइड कह सकते हैं, अंडर साइड कह सकते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार के काफी वर्ड यूज यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डोर्सल जो होती है वो आपकी लेमिनेटेड होती है, स्मूथ होती है। ठीक है भाई, और जो बैक साइड से आपका वेंट्रल साइड कहेंगे, बैक साइड कहेंगे, अंडर साइड कहेंगे आपका। ठीक है भैया, इस तरीके से आप बताओ कि मैं आपको 40 से 50 के आपके जो है संख्या में आपका काउंट करती है, जिसको एक्स को आपका ये जो एक्स है वो आपके कवर्ड रहते हैं सिक्की पैर से। फाइन आपके सी की हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंट होते हैं, जो उन्हें एक्स को कवर रखते हैं। ठीक है भाई, ताकि उन्हें प्रोटेक्शन भी मिले और वो दूसरों की नजर आपका नहीं आए। ठीक है भाई, तो एक्स के बारे में आपका था, नाउ सेकंड लार्वा। लार्वा को जब हम आपका काउंट करेंगे तो देखिए आपका 5 to 6 डेज के इंक्यूबेशन के बाद
आपके जो है लार्वा आपके हैच आउट हो जाएंगे, उनका कलर कैसा होगा आपका लाइट ब्राउन कलर आपका कॉम होता है, ठीक है भाई। 5 to 6 आफ्टर आई थिंक 5 to 6 डेज, ठीक है भाई। 5 to 6 डेज के हैचिंग प्रोसेस के बाद आपके एग्स हैच आउट, ठीक है भाई। लार्वा के अंदर कैसा कलर होगा आपका लाइट ब्राउन, कैसा होगा आपका लाइट ब्राउन कलर के आपके होंगे कौन आपके लार्वा, ठीक है भाई। और इनके 3 पेयर आपकी लेग्स होंगे, ठीक है। हैव पेयर ऑफ लेग्स आपके काउंट होते हैं और 2 आपके रेड स्पॉट होते हैं इसके आई, ठीक है। आपके पूरी रेड स्पॉट होता है रेड स्पॉट्स, ठीक है। रेड स्पॉट्स ऑफ आई आपकी काउंट होती है इसके अंदर आपके, जब हम इसको देखेंगे आपका लार्वा, ठीक है भाई। लार्वा को हम जनरली आपका देखेंगे तो आपका लार्वा के अंदर आपको क्या जाएगा 5 eggs जो है आपकी हैच आउट होंगे आपके आफ्टर 5 to 6 days के बाद आपका, ठीक है भाई। और लाइट ब्राउन आपका कलर होगा किनका लार्वा का आपका, इनके इन लार्वा के आपके 3 pairs होंगे आपका क्या आपके लेग्स के, ठीक है भाई। और 2 आपके रेड स्पॉट होते हैं किसके आपकी आई, ठीक है। ये लार्वा के अंदर आपको हम आपका काउंट करेंगे, ठीक है भाई। ये 2 आपकी स्टेज यहाँ काउंट होते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है आपका काउंट करेंगे आपका 3rd and 4th, ठीक है। देखिए थर्ड आपका निम्फ, निम्फ जो स्टेज आपकी थर्ड वन आपकी काउंट हो जाती है, ठीक है भाई। निम्फ को हम देखेंगे तो इसके अंदर आपके 2 इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है भाई। 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आएंगे जो लार्वा जो है आपका पहले जो है आपके किसके जो आपका निम्फ में आपका चेंज होगी, लेकिन निम्फ के अंदर आपके 2 स्टेज आपके आएंगे। निम्फ में आपका एक आपकी प्रोटो निम्फ होगी और एक आपका ट्यूट होगी, ठीक है भाई। दोनों में आपका क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं हम आपको काउंट करेंगे। जो लार्वा है आपका वो चेंज हो जाता है भी आपका किसके अंदर आपका प्रोटो निम्फ, प्रोटो निम्फ जो है आपकी फर्स्ट स्टेज आपकी काउंट होगी, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू योर निम्फ, ठीक है भाई। ये प्रोटो निम्फ आपका फर्स्ट स्टेज आपकी काउंट होगी। इससे भी क्या खासियत होती है, जैसे हमने देखा लार्वा के क्या होते हैं आपकी लेग्स होती हैं, तो यहाँ पर आपकी लेग्स ये आपका लॉस कर देगा, ठीक है भाई। लेग्स क्या करेगा आपका लॉस कर देगा और ये स्टेज आपकी कैसी काउंट हो जाएगी आपकी फीडिंग स्टेज, ठीक है भाई। कैसी काउंट हो जाएगी आपकी फीडिंग स्टेज आपकी काउंट हो जाएगी। जो लार्वा के अंदर आपकी जो लेग्स अभी हमने हमने काउंट की है 3 pairs ऑफ लेग्स आपका, वो आपकी लॉस हो जाएंगी, ठीक है भाई। और जो आपका इसके अंदर फैक्टर आपका किस कारण हो जाएगा आपका फीडिंग, ठीक है। तो ये प्रोटोनिंग फॉर्म का होगा, ये जो प्रोसेस है आपका वो 6 to 10 days के अंदर आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। किसका भी आपका प्रोटोनिंग का। सेकंड प्रोटोनिंग फॉर्म का कन्वर्ट होता है आपका ड्यूट्रोनिंग, ठीक है भाई। क्या आपका ड्यूट्रोनिंग में ये आपकी जो है सेकंड स्टेज आपकी काउंट होती है, ठीक है भाई। कैसे होती है आपकी सेकंड स्टेज होती है और ये आपकी नॉन फीडिंग स्टेज आपकी काउंट हो जाती है, ठीक है भाई। ये जो प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है आपका 3 to 5 days के अंदर। तो देखिए निम्फ, निम्फ जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर आपके प्रोटोनिंग, निम्फ फर्स्ट चेंज टू प्रोटोनिम्फ, ठीक है। किसके अंदर आपका प्रोटोनिम्फ के अंदर, प्रोटोनिम्फ क्या होते हैं ये हम आपका अब काउंट कर लेते हैं यहीं पर आपका, ठीक है। ये क्या है आपकी फर्स्ट आपकी स्टेज है, फर्स्ट आपका क्या है फर्स्ट निम्फ स्टेज, ठीक है भाई। क्या है आपकी फर्स्ट निम स्टेज है और एक ऐसी होती है आपकी फीडिंग स्टेज, कैसी होगी आपकी फीडिंग स्टेज और इन प्लस ये क्या है आपके लॉस ऑफ लेग, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका लॉस ऑफ लेग, ये प्रोटोनिक में आपका काउंट होगा। याद रखिए ये 1 mark का क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट हो सकता है, ठीक है भाई। इंपोर्टेंट आपका मैं काउंट करता हूँ, 1 mark का क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट हो सकता है कि आपका प्रोटोनिक, ठीक है भाई। तो प्रोटोनिम्फ जो है आपकी लार्वा से जब आपका फर्स्ट जो आपकी स्टेज बनेगी निम्फ की उसे हम आपका काउंट करेंगे। इसकी खासियत क्या होगी, लार्वा के अंदर लेग्स होगी लेकिन इसकी लाइफ लो आपकी लॉस हो जाएगी, ये आपकी फीडिंग स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज आपकी काउंट होगी, लॉस ऑफ लेग आपका हो जाएगा। ये प्रोसेस कम्प्लीट होगा कितना आपका 6 to 10 days, ठीक है।
यानी कि प्रोटोनियम की जो स्टेज है वो आपको कितने दिनों में कंप्लीट हो गया आपका 6 to 10 days, ठीक है भाई। उसके बाद आपका ठीक है नाउ प्रोटोनियम कन्वर्ट ड्यूट्रोनियम, ठीक है भाई, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ड्यूट्रोनियम में। इसकी क्या खासियत होगी, ये सेकंड स्टेज होगी, कैसी होगी आपकी सेकंड स्टेज होगी, एंड दूसरा आपका कैसी होगी आपकी नॉन ब्रीडिंग। ये देखिए कैसे क्या आपकी नॉन ब्रीडिंग स्टेज, ये जो प्रोसेस आपका 3 to 5 days में आपका कंप्लीट होगा, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। देखिए दो चीजें, निम्फ को जब आपका काउंट करेंगे तो निम्फ को हम आपका काउंट कर रहे हैं तो उसमें आपकी दो चीजें आपकी आती है, ये एक नया आपका निकल के आता है। दो क्वेश्चन आपके प्रोटोनिम्फ एंड ड्यूट्रोनिम्फ। प्रोटोनिम्फ आपकी पहली स्टेज है जो आपकी लार्वा से बनती है, जिसके अंदर आपका सॉरी लार्वा से आपकी बनेगी, लार्वा के जैसे जो आपकी लेग्स थी 3 years की भी वो यहाँ पर लॉस हो जाएंगी और ये फीडिंग स्टेज होती है और आपकी फर्स्ट स्टेज आपकी होती है। देन प्रोटोनिम्फ आपका कन्वर्ट होता है किसके अंदर आपकी ड्यूट्रोनिम्फ में, ये सेकंड स्टेज होगी और नॉन फीडिंग होगी, कैसे होगी आपकी नॉन फीडिंग और आपकी डिस्पर्सल भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है भाई, डिस्पर्सल भी हम काउंट कर सकते हैं, डिस्पर्सल स्टेज, ठीक है भाई। डिस्पर्सल स्टेज यानी कि ये आपके फैल जाते हैं, ठीक है, नींव के हम आपको बात करते हैं, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट आपका फोर्थ वन आपका काउंट करेंगे क्या आपका अडल्ट, ठीक है भाई। अडल्ट की हम बात करते हैं तो जो ड्यूट्रोनिम्फ है वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, आपके अडल्ट के अंदर, तीन से पांच दिन के अंदर आपकी जो ड्यूट्रोनिम्फ का द सेकंड स्टेज ऑफ द निम्फ वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपका अडल्ट, ठीक है भाई। तो ये आपका निम्फ और आपका अडल्ट आपका काउंट होता है। तो निम्फ में याद रखिए जो क्वेश्चन आपके अराइज हो रहे हैं वन मार्क के आपको क्या प्रोटोनिम्फ और आपका ड्यूट्रोनिम्फ, ठीक है भाई, ये चीज याद रखिए आप पीच को मार्क काउंट करते वन मार्क का, ठीक है भाई। नाउ अब हम आपका काउंट करते हैं आपका क्या डैमेज एंड कंट्रोल, डैमेज में देखिए दोनों स्टेज आपकी काउंट होंगी, अडल्ट एंड नेम दोनों के दोनों ही आपका जो है डैमेज करेंगे क्या आपका अडल्ट भी करेगा और आपका निम्फ भी करेगा, ठीक है भाई। ये क्या करते हैं आपका इनके इनसे जो आपका इन्फेस्ट आपका होगा उससे क्या होगा आपके व्हाइट जो पैची थे आपके, ठीक है, व्हाइट मार्क्स आपके फिर जाएंगे, व्हाइट मार्क्स अपीयर ओनली, ठीक है भाई, क्या होगा आपका जो व्हाइट मार्क्स है वो आपके लीव्स पे आपके अपीयर हो जाएंगे जिससे क्या होगा आपका अकाउंट डिसकलरेशन, प्रोडक्शन यील्ड जो है वो आपकी कम हो जाएगी, वो आपकी डाउन आपकी ग्रोथ में आपकी आ जाएगी, ठीक है भाई। आपका 40% तक जो है आपका लॉस इसमें काउंट हो सकता है, ठीक है। नाउ कंट्रोल के बात करते हैं, कंट्रोल को जब आप काउंट करेंगे ज्यादा आता है इन्फेस्टिव जो आपका प्लांट है, इन्फेस्टिव प्लांट बी कलेक्टेड and destroyed. Infested plant क्या हो जाएगा आपका जो है हम शुड भी क्या करेंगे आपका उनको कलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आपका इजीली, ठीक है, ये चीज आपकी शुरू आपकी हो सकती है। देन स्प्रे के उसमें आप हम काउंट कर सकते हैं आपका जो स्प्रे है आपका
आपका मैपिंग प्रोब्स ठीक है भाई 0.1%, मैपिंग प्रोब्स प्रोब्स कैन बी स्प्रिंग ठीक है, ये चीज आपका हम काउंट कर सकते हैं जो आपका मैपिंग प्रोब आपका केमिकल आता है उसको 0.1% आपका जो है वाटर के अंदर आपका ऐड करके हम उसे आपका स्प्रे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका कंप्लीट आपका द वेजिटेबल माइट।